हाय बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। गाइड सीरीज में काफ़ी दिनों से अभी थोड़ा सा लाइव क्लास आप लोगों का चल रहा था, इसीलिए गाइड सीरीज कंटिन्यू हो नहीं पा रहा था। अब आप लोग गाइड सीरीज में कंटिन्यू होंगे अभी, और आप लोगों का जो लाइव क्लास है, चूंकि काफ़ी आप लोग अपने सिलेबस से आगे भी हैं और थोड़ा सा समय अभी नहीं मिल पा रहा है, मेरा स्कूल के खुल जाने से आप लोग भी स्कूल जा रहे हैं, तो लाइव क्लास फिर से लेंगे। आप थोड़ा सा वेट कीजिए। इस तरह से हम लोग अपना गाइड सीरीज में पुनः आ चुके हैं। आप सब लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए हम आज एक चर का द्विघात समीकरण को स्टार्ट करते हैं, और इससे संबंधित बहुत सारी चीज़ें आप लोग मेरे चैनल में देख चुके हैं, समझ चुके हैं, परंतु गाइड सीरीज में अभी आप लोगों को मैं प्रश्नावलियों के सारे क्वेश्चन मैक्सिमम आप लोगों को बनाने का तरीका बताऊंगा, और आप लोग करते जाइए और अपने नोट्स बढ़िया से तैयार कीजिए, ताकि आप लोगों को पढ़ करके अपने बोर्ड के रिजल्ट बहुत अच्छे से लाने में सक्षम हो सकें। तो चलिए मैं आप लोगों को प्रश्नावली में ले चलता हूँ। देखिए, आप लोगों के सामने स्क्रीन में प्रश्नावली एक है, जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से वर्ग समीकरण चुनिए। आप लोगों को वर्ग समीकरण चुनना है। आप वर्ग समीकरण क्या है, कैसा है, ये सारी चीज़ें आप मेरे कंटिन्यू यूट्यूब चैनल में देख चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए। आप लोगों को लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जा करके वहाँ पर देख सकते हैं अगर नहीं देखे हैं तो। फिर भी मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से, नहीं देखने से भी यहाँ पे अच्छे कर पाने की तरीका बताऊंगा, और आप लोग कर लेंगे। देखिए, यहाँ पे लिखा है कि वर्ग समीकरण चुनना है। देख करके हमको जानना है कि वर्ग समीकरण कौन सा है और किस तरह से है। तो मैं ये बता दूँ, वर्ग समीकरण माने होता है घात दो वाला समीकरण। क्या होता है? घात दो होना चाहिए, ठीक है। किसका घात दो होना चाहिए? यहाँ पर जो चर राशि है, जिसको कि हम लोग एक्स वाई जेड के रूप में लेते हैं, ठीक है, इस तरह से कुछ भी उपयोग हुआ हो। जैसे यहाँ पे प्रश्नों पे आप लोग देख रहे हैं, प्रश्न क्रमांक एक को ध्यान से देखिए। एक्स स्क्वायर प्लस 3x-2=0 दिया हुआ है, तो ये वर्ग समीकरण है अथवा नहीं, ये जानना है। इस वर्ग समीकरण का सबसे अधिक घात को पहले देखेंगे। सबसे अधिक घात कितना है? यहाँ पर देखिए, एक्स का घात दो है, इसलिए यह वर्ग समीकरण है। परंतु इसके साथ और भी बहुत सारे नियम हैं, वो आगे मैं करते जाऊंगा तो आप लोगों को पता चलते जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, x का घात दो है, उसके बाद धन 3x है, उसके बाद ऋण 2 है। तो ये क्रम है, बड़े घटते क्रम में यहाँ पर x का घात है, दो घात है, एक घात है, और बिना x वाला पद भी है यहाँ पर। तो इस तरह से जो होता है समीकरण, इसको हम लोग वर्ग समीकरण बोलेंगे। तो यह वर्ग समीकरण है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्ग समीकरण है। अब आते हैं दूसरा पर। देखिए, दूसरा जो है वह अपने आप में कंप्लीट नहीं दिख रहा है, इसको थोड़ा सा हमको हल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर x वर्ग बटे एक लिख सकते हैं, धन 1/x कर देंगे तो बराबर 1 हो गया, 1/1 भी लिख सकते हैं। इसका लघुत्तम निकालेंगे, x आएगा। इसको अब हल करने के नियम में जाएंगे तो ये x का घात 3 हो गया, धन ये कितना हो गया? 1 हो गया, बराबर 1/1। यहाँ पर सीधी सी बात है, x का घात 3 तो दिख ही गया ऐसे भी, चाहे इसको आगे हम जैसे भी हल करें, x का घात 3 यहाँ से हट नहीं रहा है, इसलिए यह वर्ग समीकरण नहीं है। ये दूसरा वाला पॉइंट। आगे ये बात समझ में अच्छे से आ रहा होगा? कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, आप लोगों को जो प्रॉब्लम होगा उसको लिख सकते हैं, तब मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर, देखिए प्रश्न क्रमांक 3 को देखिए बड़े ध्यान से। अब आप मेरे ख्याल से सीख चुके होंगे कि हम लोग वर्ग समीकरण किसको कहेंगे। यहाँ पर देखिए, घात 2 है x का, उसके बाद x का एक घात है, उसके बाद बिना x वाला है, बिल्कुल सिस्टमेटिक है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? वर्ग समीकरण है। आ गई बात समझ में? अब आते हैं चौथा नंबर पे। यहाँ पर देखिए, x का घात 2 तो है यहाँ पर, परंतु यहाँ पर x के जो क्रम में हम लिखते हैं इसको, तो यहाँ पर x का घात 1 होना चाहिए, जबकि यहाँ पर आप लोग जान रहे हैं वर्गमूल x बराबर x का घात 1/2 होता है।
आप लोगों को मालूम है ये बहुपद में पढ़ चुके हैं कि जिसका घात 1/2 वाला या पी बटे क्यू के रूप में होता है, तो जैसे वह बहुपद नहीं होता है, यहाँ पर समीकरण भी यहाँ पर नहीं होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये वर्ग समीकरण नहीं होगा। ठीक है, तो चौथा नंबर क्या हो गया, वर्ग समीकरण नहीं है। अब आ जाते हैं पाँचवें नंबर पर। पाँचवा नंबर भी देखने में थोड़ा अटपटा दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा करने की कोशिश करते हैं, अपने आप ये हल हो जाएगा। अब क्या करें, देखो यहाँ पर कई तरीके से हैं, यहाँ पर माइनस एक्स है, इस साइड ले आएंगे तो यहाँ पे प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हट गया, इधर आ गया, तो यहाँ पे कौन बचा, जीरो बचा। अब ये क्या दिख रहा है, दो ठो एक्स दिख रहा है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, देखो 2x/1 ऋण 2/x बराबर 0। इसको हल करते हैं, देखिए ये हो गया x, हो गया लघुत्तम आया, ये हो जाएगा 2x² ऋण 2 × 2 बराबर ये हो गया 0। तिरक गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x² 2x² - 2। ठीक है, ये इस रूप में मिला, तो ये क्या है हमारे लिए, एक अच्छी बात है, यहाँ पर ये भी वर्ग समीकरण है, क्योंकि इसका घात कितना है, 2 है, और एक क्रम से भी है, और क्रम में हालांकि आप लोगों को दिख रहा होगा कि x का घात यहाँ पे नहीं दिख रहा है, क्या हो सकता है, तो यहाँ पर x का घात नहीं होने से भी यह वर्ग समीकरण होगा। अब क्यों होगा, क्योंकि इसके घात जो है उल्टे पुल्टे नहीं है, जैसे ऋणात्मक घात नहीं है, और ये कहना चाहिए कि इस पर वर्गमूल वाला पार्ट्स नहीं है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, फिर वर्ग समीकरण की श्रेणी को दर्शाते हैं कि ये सब नहीं होना, माने वहाँ पे वर्ग समीकरण है। ये हो गया पाँच नंबर। अब आते हैं हम लोग छठवें नंबर पे। देखिए बहुत ही सिंपल सा दिख रहा है, यहाँ पर एक्स घात 2 है, यहाँ पर एक्स है, ये बिना एक्स वाला है, बहुत ही सिंपल है, इसका घात कितना है, 2 है, इसलिए यह वर्ग समीकरण है, क्योंकि इसमें वर्गमूल वाला पार्ट नहीं है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, वर्गमूल वाला पार्ट नहीं है, ऋणात्मक घात वाला नहीं है, इसलिए ये वर्ग समीकरण की श्रेणी में आएगा, अगर इसका अधिकतम घात कितना होता है, 2 होता है तो, और न्यूनतम भी नहीं होना चाहिए, 1 घात वाला भी नहीं चलेगा, 2 घात माने 2 घात, उसी कंडीशन में यह वर्ग कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं इस पर। 7 को देखिए, इसके जानने का एक अच्छा तरीका है, ये तो वर्ग समीकरण दिख ही रहा है, एक्स का घात 2 है, आप लोग भी अब ट्रेस करना सीख चुके होंगे, यहाँ पर इसको हल करना चाहेंगे तो कैसे होता है, देखिए एक्स बाहर कर दिए तो ये x - 10 हो गया, एक्स का मान 2 मिल रहा है ना, x = 0 मिल रहा है, x = 10 मिल रहा है, तो देखो इस तरह से भी हम लोग हमारी जानकारी को आगे बढ़ाते हुए कर सकते हैं। तो ये हो गया 7 नंबर, क्या है ये, वर्ग समीकरण है भाई। ठीक है, इसमें 5 नंबर क्या था, वर्ग समीकरण था कि नहीं था, ये भी था। ठीक, अब आते हैं 8वें नंबर पे। ये देखिए बिल्कुल देखते ही लोचा दिख रहा है, एक्स और वाई बिल्कुल अलग अलग, इसलिए ये क्या हो जाएगा, वर्ग समीकरण नहीं है। इसके बाद 9वें नंबर पे आते हैं, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक्स का घात दिख ही नहीं रहा है, 2 घात कितना है, यहाँ पर 1 है, इसलिए ये वर्ग समीकरण नहीं होगा। अब आते हैं यहाँ पर इसके लास्ट क्वेश्चन पर, 10वां नंबर पर, इसको देखिए, ये दिख तो नहीं रहा है वर्ग समीकरण के जैसा, परंतु हल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखो ये x का मान 1 × 0 हो रहा है, और 1 × x = 8 हो रहा है, x का मान 2 मिला, 0 और 8। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, x का मान 2 है, हल करके बता देते हैं यहाँ पर, देखो x² - 8x = 0। अब इसको देखने से लग रहा है इसका घात कितना है, 2 है, तो इस तरह से बच्चों x का घात 1 दिखते हुए भी अगर दोनों गुणा हो रहे हैं तो वहाँ पे घात 2 होता है, ये जानना है। तो आप लोग देखिए बहुत अच्छे से यहाँ पे प्रश्नावली 1 को पहचान लिए कि इसमें वर्ग समीकरण कैसे चुना जाता है। तो चलें अब आगे, चलिए हम अब आगे चलते हैं द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए आपको पुनः याद दिलाऊंगा मैं, आप लोग मेरे कंटिन्यू YouTube चैनल में जा कर के देख सकते हैं, और आगे यहाँ पर हम प्रश्नावली को बहुत अच्छे से करने के लिए, इसका सीरीज का नाम ही है, उसी के अनुरूप हम लोग आगे इधर देखते जाते हैं, करते जाते हैं, जिससे यह अपने आप हल होते जाएगा। अब यहाँ पर आ गए हम लोग प्रश्नावली 2 पे।
इसमें कहता है कि जांचिए दिए गए मान समीकरण के मूल हैं अथवा नहीं हैं। एक को मैं क्वेश्चन एक का पहला को देखो बड़े एकदम एक्सप्लेन करके बताता हूँ, आप लोगों को ध्यान से देखना है, उसके बाद के क्वेश्चनों को फटाफट बना करके हल करना है, ठीक है, शॉर्ट कट में हल करना है, क्योंकि लॉन्ग कट पहला वाला बताऊंगा उसके बाद सब शॉर्ट कट में चलेंगे, ठीक है। तो चलिए इसमें लिखा हुआ है जांचिए कि दिए गए मान समीकरण के मूल हैं अथवा नहीं हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2x² + x - 6 = 0, जहाँ पे x का मान 2 रखना है एक बार और एक बार रखना है x बराबर √3/2, दोनों पोजीशन पे यह है अथवा नहीं है ये बताना है इसके रूट्स, ठीक है, इसके मूल हैं अथवा नहीं है ये बताना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग पी एक्स लेते हैं। देखो ऐसा वाला आप लोग बहुपद में पढ़े हो, बहुपद से इसको समीकरण को पी एक्स के रूप में लेते हैं, तब मैं यहाँ पे आप लोगों को पुराना चैप्टर भी याद आ जाएगा। यहाँ पर देखो एक्स का मान 2 भरते हैं तो इस तरह से हमको दिख जाता है कि एक्स बराबर 2 भर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 / 2 धन 2 ब्रैकेट में एक्स के जगह पे या और ये √6 बराबर 0 आता है कि नहीं ये देखना है। अगर 0 आ गया तो ये इसका मूल है। तो यहाँ पर आता है 2 × 4 / 2 / 2 √6। आगे करते हैं, देखो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे चल रहा है अभी, 4 × 8 + 2 = 10 / 6 = 4। तो ये 0 नहीं हुआ, not equal to 0, इसलिए x = 2 मूल नहीं है। अब बारी आती है √3/2 रखने का, तो अब हम क्या करेंगे, पी एक्स के जगह पे √3/2 रख लेते हैं। अब आगे हल करते हैं, देखो क्या होता है, 2 का 2 लिख लिए और यहाँ पर √3/2 / 2 लिख लेते हैं। आगे क्या करना है, प्लस का प्लस लिख लो और एक्स के जगह पे -3/2 लिख लो और ये आ गया -6/1, सब बटे में दिख रहा है तो लिख ही लेते हैं ना, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 तो इसके इस 2 के साथ कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 × 9 / 4 × ये वाला 2 बचा हुआ है, ये वाला 2 इसको काट सकते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। फिर ये हो गया ऋण, धन और ऋण का परिणाम यहाँ पे देखना है, ठीक। तो कितना हो जाएगा, -3/2 - 6/1 ये हो गया। अब इसको हल कर लेते हैं, कितनी आ जाएगी, सबका लघुत्तम तो 2 आ जाएगा। अब आप लोग थोड़ा सा डायरेक्ट करना सीखिए, तभी आ जाएगा 9 × 3 और यहाँ पे 2 से कर देंगे तो 6 × 2 = 12 हो जाएगा, ठीक है, √12। तो इस तरह से देख रहे हैं आप लोग क्या हो गया, ये 12 और 3 = 15, 15 में से 9 का डिफरेंस देखना है, 6 आया -6/2, 2 × 2 = 2, 2 × 3 = 6, -3 आया not equal to 0। देखो भाई ये भी इसके हल नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग देखें, ऐसा डिटेल में ये तो जान गए, अब थोड़ा सा फास्ट में क्वेश्चन नंबर 2 से करते जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 को क्या है, x² - 4x + 4 = 0 है, x बराबर एक बार 2 रखना है, एक बार x बराबर -3 रखना है। चलो x बराबर 2 रख करके चलते हैं, x बराबर 2 लेकर के चलते हैं, तब क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग √4 × 2 / 4। आगे हल करते हैं, देखो बेटे लोग अब क्या है, एकदम डिटेल में नहीं बोलूँगा, आप लोगों को पहला में जो सीखे हो बढ़िया से सीखो, उसके बाद दूसरा में करते जाते हैं। 2 × 2 = 4 हो गया और ये 4 × 2 = 8 ऋण हो गया और ये √4 हो गया, देख रहे हो, √4 2 है तो 8 हो गया और √8 है ये 0 हो गया। इस तरह से x बराबर 2 क्या है, मूल है, ये हो गया। अब आगे चलते हैं, देखो x बराबर -3 लेने पर, x बराबर -3 लेके हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3² - 4 × -3 + 4। आगे हल करो, 3 × 9 ऋण और ऋण धन हो गया यहाँ पर, 4 × 12 = 4, सारे पॉजिटिव आ रहे हैं, इसका मतलब 0 नहीं है, सीधी सी बात है। तो इस तरह से x बराबर -3 यह मूल नहीं है, एक मूल है और एक मूल नहीं है, x बराबर 2 है लेकिन x बराबर -3 नहीं है। तो बच्चों इस तरह से हम लोग थोड़ा सा फास्ट भी बना सकते हैं। आगे देखें प्रश्न क्रमांक 3 में चलते हैं, चलिए ये भी इजी है, अब तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा,
इजी भी लगता होगा। चलिए करते जाते हैं, सिक्स का सिक्स कर लेते हैं, एक्स के जगह पे माइनस थ्री रख लेते हैं और ये स्क्वायर हो गया, और माइनस सिक्स इंटू माइनस थ्री कर लेते हैं, फिर माइनस ट्वेल्व कर लेते हैं। इसको क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। अगर जीरो आता है तब तो फिर ठीक है, अन्यथा यह इसका मूल नहीं है, ऐसा हम लोग डिक्लेयर कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, छः गुणित तीन तिया नौ ऋण, और ये ऋण मिला के धन हो गया, छः तिया अट्ठारह हो गया, और यह ऋण बारह कितना हो गया, छः निया चौवन। ये तो बहुत बड़ा डिजिट मिल गया हम लोगों को, उसमें से 12 को चाहे घटा लो चाहे कुछ भी कर लो, देख रहे हो क्या आएगा, जीरो आएगा ही नहीं। इसलिए ये क्या हो गया, इसका मूल नहीं है, ये मूल नहीं है भाई। कौन सा मूल नहीं है, तीसरा नंबर का देख रहे हो, x बराबर आगे कीजिए, x बराबर 4 भरिए, क्या हो जाएगा, 6 का 6 4 का स्क्वायर माइनस 6, यहाँ पे 4 आ गया माइनस 12 आ गया, 4 चौं 16 छक्के 96, ये भी बिग डिजिट आ गया, 6 चौं 24 आया और ऋण 12, इसको जितना भी जोड़ करके कर लो 96 के बराबर तो होगा नहीं, देयरफॉर नॉट इक्वल टू 0, यह भी इसका हल नहीं है, x बराबर 4 हल रूट नहीं है। ठीक है, ठीक है, इस तरह से आप देख रहे हैं काफी सरल है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4, इसको लेकर के चलते हैं अब हम लोग। क्या हो जाएगा, 4x² एक्स के जगह पे क्या रखना है, देखो जीरो रखना है, तो ये जीरो का स्क्वायर कर लो माइनस 9, ये जीरो कर लो, देखो क्या आ गया, ये जीरो माइनस जीरो इक्वल टू जीरो आ गया, देयरफॉर क्या मिलेगा, x बराबर 0 इसके मूल हैं। ठीक, आगे देखिए 9/4 रख लेते हैं, x बराबर क्या रखना है, 9/4, तो ये 4 गुणित 9/4 का वर्ग हो गया, ये माइनस 9/1 लिख लेते हैं, यहाँ पर x के जगह पे 9/4 कर लेते हैं, क्या आता है देखते हैं इसको, ए 4 में से स्क्वायर वाला 4 का कटेगा, 9 या 81/4 = 16 × 4, पहले ऐसे क्वेश्चन हल कर चुके हैं, ऋण 9 या 81/4, ये देखो 4 एकम 4, 4 चौं 16, 81/4 यहाँ भी, 81/4 यहाँ भी, इसलिए 0 आता है इसका परिणाम, इसलिए यह भी हल करने पर पता चला कि ये मूल है। ठीक है, x का मान 9/4 भी इसका मूल है, यानी कि परिणाम क्या मिला, क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों x पार्टिकल जो है वह उसके मूल हैं। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए, पढ़िए ध्यान से, पढ़िए प्रश्न नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 सरल लग रहा है, रूट देख करके आप लोगों का तो पसीना छूटता होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए बेटे लोग, ध्यान से देखो, इसको भी हल करेंगे तो ये भी सरल ही लगेगा, ध्यान से देखते रहो। क्या रखना है, x का मान वर्गमूल 3 रखना है, तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3√3x + 6, इसको हल करते जाते हैं तब क्या हो जाएगा, √3 रख लेते हैं यहाँ पर, माइनस 3√3 पहले से दिया है, x के जगह पे √3 रख लिए, प्लस 6 कर दिए। अब इसको थोड़ा सा हल करने आना चाहिए, वर्गमूल 3 का घात 2 करते हैं, मैंने 2 बार गुणा हुआ वर्गमूल का, इसका पूरा 3 बन जाएगा। यहाँ पर भी वैसी स्थिति है, 2 वर्गमूल 3 है तो उसका 3 हो गया, और ये 3 से गुणा हो रहा है तो 3 * 9 हो गया, यहाँ पे धन 6 है, देख रहे हो 3 और 6 = 9 हो गया, कितना हुआ 9√9 = 0, इसलिए यह मूल है, मूल है कौन सा, एक्स का मान वर्गमूल 3 जो है वह मूल है, ये निष्कर्ष निकल गया। अब आगे देखते हैं −2√3 उसका मूल है अथवा नहीं है, तो क्या करेंगे, x बराबर −2√3 ये रख के देखेंगे। ठीक, अब रख के देख लो भैया, यहाँ पर −2√3 का घात 2 कर दिए जैसा दिया है हमारे प्रश्न में, यहाँ पर देखो फिर माइनस का माइनस किए, 3 का 3, √3 का √3, एक्स के जगह पे क्या आ रहा है −2√3, और ये हो गया +6। आगे हल कर लो भैया, हो जाएगा, छोड़ दूं, चलो कर ही लेते हैं, इसका 2 हो गया तो 3 हो गया, 2 * 4 = 12 हो गया भाई, कैसे हुआ मत पूछो, अभी सामने में तो हूँ नहीं, तो यहाँ पे ऋण का घात 2 है इसलिए धनात्मक हो गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऋण है और यहाँ पर भी ऋण है, ये दोनों ऋण का परिणाम क्या मिलता है, गुणा हो रहा है ना, इसलिए धनात्मक हो गया। देखो भाई यहाँ पर 2 वर्गमूल 3 भी दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है उसका तो 3 ही हो गया, तो 3 * 6 = 18, वो भी धनात्मक, और ये धन 6 है, तो
तो साफ साफ दिखाई दे रहा है सारे चीज धन है, तो इसका आंसर जीरो कैसे हो सकता है। इसलिए एक्स बराबर दो वर्गमूल तीन जो है ये क्या नहीं है, इसका मूल नहीं है। आ गई बेटा समझ में, अच्छे से समझ लो, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन कर लिए मैंने, मैं तो ये मानता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं। अब आगे दूसरे पैटर्न पर हम लोग चलेंगे। प्रश्न क्रमांक दो पे स्क्रीन पे आप लोग ध्यान दीजिए अपने प्रश्नावली का, कितना सरल तरीके से बता देता हूँ, आप देख देख करके फटाफट बना लोगे, ठीक है। तो चलें, मैं एक ब्लैक बोर्ड तैयार कर लेता हूँ भाई आप लोगों को बताने के लिए, ये रहा, और आप लोग अब इसको ध्यान से देखोगे तो इजी लगने लगेगा। ध्यान से देखो, पहला क्वेश्चन को लेके चलते हैं, इसके मूल हैं अथवा नहीं हैं ये तो आप लोग सीख ही गए, अब उसके मूल ज्ञात करना आ जाते हैं। क्या आता है, x माइनस फोर एक आता है और x माइनस टू एक आता है बराबर जीरो हो गया, ठीक है। अब इतना हो गया तो भैया दोनों को अलग अलग कर लो, x माइनस फोर इक्वल टू जीरो या तो फिर x माइनस टू इक्वल टू जीरो। अगर ये होता है, देखो यहाँ माइनस फोर है, बराबर के दूसरे साइड भेज रहे हैं, ये बराबर हो गया, दूसरे साइड भेजे तो ये प्लस फोर हो गया, तो x बराबर प्लस फोर आ गया, ये एक ठो इसका मूल हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से बेटे लोग यहाँ पर हम लोग इसके लिए लेते हैं, तो x को x तरफ छोड़ दो, बराबर को बराबर लिख लो, दो को भेज दो शून्य साइड, तो क्या हो जाएगा, प्लस टू हो जाएगा। तो इस तरह से x बराबर टू दूसरा मूल प्राप्त हो गया। तो इसी तरह से हम लोग देखो हर चीज़ को कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरा नंबर को देखो, मैं फटाफट कर देता हूँ, यहाँ पर है 2x प्लस 3 और 3x माइनस 7 इक्वल टू जीरो। भैया ऐसा कर लो, 2x प्लस 3 इक्वल टू जीरो, 3x माइनस 7 इक्वल टू जीरो। जी सर, हो गया कंप्लीट, दिख तो गया, और क्या चाहिए, 2x इक्वल टू माइनस 3 हो गया, ये प्लस 3 इधर आया ना, तो हो गया माइनस 3, तो क्या हो गया, x बराबर माइनस 3 बाई 2 मिल गया ना, और क्या चाहिए, पकड़ लो, भागो आप लेके, 3x माइनस 7 इक्वल टू जीरो किए तो ये माइनस 7 इस साइड आएगा, तो ये हो गया प्लस 7, ये हो गया 3x। अब 3x के साथ क्या कर रहा है, 3 को भगा दो, x इक्वल टू 7 बाई 3, ये दूसरा मूल प्राप्त हो गया। तो इस तरह से आप ये पहला दूसरा को बना लिए मैंने, तो आगे आप लोग अब पूरा बना लोगे मेरे को उम्मीद है। नहीं बना पा रहे हो, कोई बात नहीं यार, मैं तो हूँ ना, काहे चिंता कर रहे हो। अब तीसरे नंबर को देखो भैया, ये तो अटपटा टाइप का दिख रहा है, कोई अटपटा नहीं है। देखो x माइनस 7 का पावर 2 इक्वल टू 0 लिखा है, जो अलग अलग इसको लिखा है ना उसके ऊपर में ऐसे ही लिख लो, x माइनस 7 और x माइनस 7 इक्वल टू 0, दिख गया ना पहला के जैसा, कर डालो ना x इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7, एकदम फास्ट ट्रैक में, ठीक है। फास्ट ट्रैक में भी बनाने आ गया देखो आप लोगों को। अब यहाँ पर देखो फोर्थ नंबर पे क्या बोलता है, ये तो थोड़ा अलग दिख रहा है, कोई बात नहीं, हम तो हैं ना आपके लिए। ये देखो दोनों में x है, बाहर निकाल दो, क्या बचा, x बचा यहाँ पर, यहाँ पर माइनस 11 बचा इक्वल टू 0। भाई x बराबर 0 कर लो, या तो फिर x माइनस 11 इक्वल टू 0 कर लो। x बराबर 0 कर लिए तो एक ठो मूल तो ऑलरेडी मिल गया, तो x माइनस 11 इक्वल टू 0 पे ध्यान दे दो, 11 को भगाओ अपने साइड से, x इक्वल टू 11 हो गया, तो ये एक दूसरा मूल हो गया, ये दूसरा मूल मिल गया, और ये क्या था, हमारा पहला मूल था। इस तरह से हम लोग चौथे का भी दो मूल प्राप्त कर लिए। अब आता है पांचवा और छठवां पे ध्यान दो, बहुत ही इजी है। पांचवा क्या कहता है, x प्लस 12 इक्वल टू का पावर 2 इक्वल टू 0, तो x प्लस 12 दो बार लिख लो, कोई दिक्कत है, नहीं है, तो क्या करें सर, अलग अलग जीरो कर दो, दिस इक्वल टू 0, x प्लस 12 दिस इक्वल टू 0। अब क्या हुआ, 12 को भगाओ ना दूसरे साइड, क्या मिलेगा, माइनस 12 हो जाएगा दोनों में, x का वैल्यू माइनस 12 आया और x का वैल्यू माइनस 12 आया, यानी कि सेम आया। तो इस बात को केयर करो, इस तरह से घात दो वाला रहने से सेम वैल्यू आता है, ठीक है। आगे चलें, सिक्स नंबर पे देखो, ये तो अपने आप आधा हल किया हुआ है, अब इसको क्या हल करें, x इक्वल टू 0 हो गया, ये पहला मिल गया, दूसरा x प्लस 1 इक्वल टू 0 कर दो, एक को भगा दो भाई, तो x इक्वल टू माइनस 1, ये दूसरा मिल गया। आप देख रहे हो इस तरह से कितना इजी तरीके से आप लोग बना सकते हैं, लेकिन क्या चाहिए भैया, प्रैक्टिस करने का समय।
बिना समय से कुछ नहीं मिलता, आपको समय का उपयोग करना पड़ेगा। क्या बच्चा भैया, कहाँ पे चलते हैं अब? क्वेश्चन नंबर 3 पे चलें। क्या करना है बेटा, कितने में खत्म करना है क्या? बचा है थोड़ा सा, कर दूं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे बहुत अच्छे से ध्यान दो। देखो बहुत ही सिंपल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो भाई, मेरे को तो ऐसे ही सिंपल दिखने लग गया ना, आप लोगों को भी दिखने लग गया होगा, क्योंकि एक मूल है कि नहीं वो देखना है। बहुत ही सिंपल बात है, रूट टू का स्क्वायर कर लो, प्लस टू और यहाँ पे रूट टू कर लो, माइनस फोर। देख रहे हो, यहाँ पे रूट टू तो हट ही नहीं रहा है, यहाँ तो हट गया घात दो होने से। इसका मतलब नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तो यह मूल नहीं है भाई, क्योंकि मूल होने के लिए जीरो होना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको यहाँ पे सॉल्व कर लिए। अब आते हैं चौथा नंबर पे। देखो गुणनखंड करके उनके मूल ज्ञात करो। गुणनखंड करने का आप लोग कितना सारा मेथड पढ़ चुके होंगे, लेकिन यहाँ पर मध्य पदों को तोड़ करके वाला को हम लोग अप्लाई करेंगे, और उसके आधार पे फिर एक क्वेश्चन को अच्छे से बताता हूँ, ध्यान से देखो। बाकी सारे क्वेश्चन को फटाफट बनाना है, आपको बनाना है या मेरे को बनाना है, देख लेते हैं आगे जिससे बन जाए। ठीक है, तब यहाँ पर देखो चौथा नंबर को देखो भाई, इसमें लिखता है 9x² - 3x - 2 = 0। गुणनखंड करके मूल ज्ञात करो। क्या करना है? गुणनखंड करना है और मूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आप लोगों को बताया था, मैं फिर से आप लोगों को याद दिलाऊंगा कि आप लोग मेरे कंटिन्यू यूट्यूब चैनल में जा करके इस चैप्टर को खोज निकालो, और उस पर देखो कि ये प्रश्न में मध्य पदों को तोड़ करके कैसे बनाते हैं। फिर भी यहाँ पर मैं एक बार बताता हूँ, ध्यान से देख लो। ये देखो यहाँ पे x वर्ग का जो गुणांक है, और यहाँ पर बिना x वाला जो गुणांक है, दोनों को उठा लो बेटा और ले जा करके गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा? 9 × 2 = 18 हो गया। अब इस 18 को क्या करना है, इसके सारे गुणनखंड लिख डालो। इसका मतलब 1 × 18, 2 × 9 तो भी 18 होता है, 3 × 6 तो भी 18 होता है, 4 से नहीं होता, 5 से नहीं होता, फिर 6 से वापस आएंगे तो यही मिल जाएगा, इसलिए ये काम यहाँ पे ख़त्म होता है। अब ध्यान दो बेटे लोग यहाँ पर, चलो यहाँ पे ध्यान देते हैं। अब x पद वाला पद जहाँ पे नहीं है वहाँ पे यहाँ पर देखो कौन सा चिन्ह है, यहाँ पे मैं राउंड लगाया। अब केयर करो, इसको जो प्रक्रिया है संक्रिया यहाँ पे लगाना है हमको। कैसे लगाएंगे देखो, 18 × 1 करेंगे 17 आया, 9 × 2 करेंगे कितना आएगा 7 आया, और 6 × 3 करेंगे 3 आया। अब ये काम हम क्यों कर रहे हैं, ध्यान से देखो। यहाँ पर हमको क्या चाहिए, 3 है, इसको तोड़ना है। किस रूप में लिख सकते हैं, देखो 3 मिला ना हमको, यहाँ पर ले जाओ इसको, 3 मिला, देखो आ गई बात समझ में। इस तरह से हम लोग इस 3 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 6 × 3 लिखना है, तब जाके ये हल होगा। चलो आ जाओ भैया, इसके लिए क्या करते हैं, इस 3 वाले जगह पे लिखते हैं हम लोग 6 × 3 लिखते हैं। एक्स का एक्स लिख लिए, ऋण का ऋण लिख लिए, 2 का 2 लिख लिए, बराबर का बराबर, 0 का 0, इससे पहले ऋण है वो भी लिख लो, एक्स स्क्वायर लिख लो, 9 लिख लो। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, बड़े ध्यान से देखते रहिए, है तो सरल परंतु ध्यान लगाएंगे तब। 9x² - 6x, ये देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, दोनों मिला करके अगर हम लोग गुणा करने की प्रक्रिया में चलते हैं तो ये हो जाता है प्लस 3x - 2 = 0। इसकी जोड़ी में कुछ उभयनिष्ठ मिलेगा, इसकी जोड़ी में कुछ उभयनिष्ठ मिलेगा, क्या मिलता है देखो केयरफुली, मैं यहाँ निकाल देता हूँ, 3 को निकाल देता हूँ और x भी निकाल देता हूँ, तो क्या बच गया, 3 × 3 = 9 और 1 × x बच गया, फिर 3 × 2 = 6, x तो बाहर आ गया भाई, बचेगा ही नहीं। यहाँ पर क्या है देखो, प्लस 1 निकाल सकते हैं यहाँ पर, 3x - 2 = 0। केयर करो बेटे लोग, यहाँ पर एक चीज़ सीख लो, यहाँ पर जो दिख रहा है तुम लोगों को ब्रैकेट में, यहाँ पर भी ब्रैकेट में वही दिख रहा है, ऐसा ही होना चाहिए, दोनों में अंतर नहीं दिखना चाहिए। अब यहाँ पर देखो, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट एक ही है, इसलिए ये उभयनिष्ठ के रूप में निकाल लेते हैं। यहाँ पर बचता क्या है देखो, यहाँ पर 3x बचा है और प्लस यहाँ पर बचा है 1, तो इसको लिख लेते हैं, तो दिस इक्वल टू 0 हो गया। अब ये बेटा कैसा बन गया, ये जैसा आप लोगों ने दो ब्रैकेट को हल किया था वैसा ही बन गया ये। ठीक है, तो आगे चलें इसको जीरो करते हुए, 3x - 2 = 0, या तो फिर
थ्री एक्स प्लस वन इज्क्वल टू जीरो, तो यहाँ पे थ्री एक्स इज्क्वल टू टू, तो एक्स इज्क्वल टू टू बाई थ्री, यह एक मूल हमको प्राप्त हो गया। दूसरा यहाँ पर देखो थ्री एक्स इज्क्वल टू माइनस वन, कैसे हुआ पता चला ना, साइड चेंज कर लिया इसने अपना, एक्स इज्क्वल टू माइनस वन अपॉन थ्री, अब ये पक्षांतर करने से ये हमको प्राप्त हो गया। तो इस तरह से x के हमको ये दो मूल प्राप्त हो गए, और हमको यही ज्ञात करना था, गुणनखंड करना था और मूल ज्ञात करना था। तो इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक दो पर। प्रश्न क्रमांक दो को देखिए, इस पर क्या लिखा हुआ है, फोर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स स्क्वल टू जीरो। ऐसा तो आप बहुत इजी निकाल चुके हैं, कॉमन निकाल करके, उभयनिष्ठ निकाल करके। इसको छोड़ करके मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर ध्यान से देखो, और एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, आप लोग तीसरा को भी कर सकते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन है बेटे लोग, बिल्कुल नहीं घबराना है आप लोगों को, करना है। आप लोग इस गाइड सीरीज में अगर मैं जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ इतना भी कर लेंगे तो आप 100% प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो सेम टू सेम है ना। इसीलिए आगे देखो थोड़ा सा हम लोग करते क्या है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर फोर पे देखो, मैं और एक क्वेश्चन को आप लोगों को एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। फाइव एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू इज्क्वल टू जीरो, यहाँ पे फाइव और टू को उठाओ और ले जाके गुणा कर दो, तो पाँच गुणित दो बराबर दस हो गया। दस के सारे गुणनखंड लिख लो, एक गुणित दस, दो गुणित पाँच, और होता है क्या? नहीं होता है, ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर देखो, ये चिन्ह पर आते हैं हम लोग। मैं यहाँ पर तीर लगा करके आप लोगों को बताता हूँ, ये चिन्ह का प्रयोग इनके बीच में करना है। दस ऋण एक बराबर नौ होता है, ये काम नहीं आएगा। पाँच ऋण दो बराबर तीन होता है, यही काम आएगा, क्योंकि हमको कितना चाहिए, तीन चाहिए। ये तीन के जगह पे क्या लिखेंगे, फाइव माइनस टू लिखेंगे, और एक्स का एक्स लिख लिए, माइनस टू का माइनस टू, उससे पहले प्लस, फाइव एक्स स्क्वायर है वो भी लिख लिए, बराबर जीरो कर दिए। अब इसको ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, फाइव एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू इज्क्वल टू जीरो। इसमें और इसमें कुछ वहनिष्ठ निकलेगा, दिख रहा है क्लियर, फाइव एक्स बाहर आ जाएगा, यहाँ पर एक्स प्लस वन मिलेगा, यहाँ पे माइनस है दोनों के पास और कुछ वहनिष्ठ नहीं, इसलिए माइनस वन को बाहर कर लेते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, नहीं यार टू भी है, ठीक है, तो इसको ध्यान देना है। यहाँ पर ये वन के जगह पर क्या आएगा, अभी यहाँ पर टू आएगा, चूँकि देखो दोनों में दो है इसलिए दो बाहर आ गया, तो यहाँ पर कौन बच गया, x, और यहाँ पर प्लस वन। प्लस वन क्यों हुआ, क्योंकि माइनस बाहर आया है दोनों में से। अब इस ब्रैकेट में जो है यहाँ भी होना चाहिए, ये बात भी हमारा लागू हो गया, इस बात को ध्यान में रखना है। तब x धन एक दोनों में है, बाहर आ गया, ठीक। आगे क्या करें, बचा क्या, फाइव एक्स बचा है ये सामने में देखो, और माइनस टू बचा है, ये माइनस टू, इसको क्या कर लेंगे, बराबर जीरो कर लेंगे, ये जीरो था, ठीक। अब क्या आता है, एक्स प्लस वन इज्क्वल टू जीरो होगा, या तो फिर फाइव एक्स माइनस टू इज्क्वल टू जीरो होगा। इजी है, एक्स बराबर माइनस वन कर सकते हो, फाइव एक्स इज्क्वल टू टू कर सकते हो, और ये क्या दे देगा हमको, एक्स बराबर टू बाई फाइव दे देगा। इस तरह से आप लोग देख रहे हैं, बहुत ही ईजी है, आप लोग जैसा कई ठो बना चुके हैं ना, इस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि आप इसको प्रैक्टिस अगर करेंगे तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे भाई, ठीक है। तो मैं क्या करूं, अब बनाते रहूं या आपके लिए छोड़ दूं? चलो भाई थोड़ा सा कोताही मत करो, आप लोगों के लिए मैं छोड़ता हूं बाकी प्रश्नों को। एक चीज आपको बता देता हूं, आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए बने हुए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप अपना प्रोग्रेस करते रहेंगे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।